बाबा है, बाबा के अलावा और कोई नहीं है। जितना मर्जी जोर लगा ले, खिलाफ पार्टी सारे चोर हैं, इनमें आपस में एकता नहीं है, तो ये प्रधानमंत्री कहाँ से बन जाएंगे बताओ मुझे। मोदी ही रहेंगे 2024 तक, मोदी रहेंगे, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में मोदी जैसा लाखों लोग हैं जो इस पार्टी को और देश को संभालने वाले हैं। ये विपक्ष जितने हैं, इन्होंने अपने परिवार के सिवा क्या किया है? कोई भी पार्टी लुआ, ये जितने भी पार्टियां हैं परिवारवाद हैं, इन्होंने अपने परिवार को देखे हैं। इनकी पार्टियों में क्या है, मैं अध्यक्ष, तू महामंत्री, बेटा बहू सब मिलके खाते हैं। अब इनको खाने के लिए मिलने रहा है 2014 से, ये लोग बौखलाएंगे और ये बौखलाहट में सब एक हो रहे हैं चोर, ताकि एक ईमानदार को कौन है मोदी के, मोदी कौन है? मैं पूछता हूँ मैडम, मोदी का क्या है, उसके आगे ना पीछे कौन है? वो देश के लिए करता है, वो जो कुछ भी कर रहा है वो देश के। राहुल गांधी बन सकता है? राहुल गांधी है जो आलू डालता सोना बन जाता है हमारे देश के, ये हैं इनके लीडर राहुल गांधी। मुंगेरीलाल का सीन सपने। नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका पॉलिटिकल इंडिया में और मैं हूं आपके साथ शिवानी मांगवानी। तो इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल कि अगला पीएम कौन होगा, जिसको लेकर लगातार विपक्षियों में बयानबाजी चल रही है। कोई कह रहा है हम बनेंगे तो कोई कह रहा है हम बनेंगे, लेकिन ये जनता से जानते हैं कि जनता किसको पसंद करती है और जनता क्या चाहती है कि अगला पीएम कौन बने। आइए जानते हैं इन्हीं की जुबानी, आपके हिसाब से वो कौन सा नेता है जो अगला पीएम बन सकता है देश में? पीएम मोदी के अलावा बाबा है, बाबा के अलावा और कोई नहीं है। जितना मर्जी जोर लगा ले, खिलाफ पार्टी सारे चोर हैं, इनमें आपस में एकता नहीं है, तो ये प्रधानमंत्री कहाँ से बन जाएंगे बताओ मुझे। आप बताइए। 2024 से लेकर 2014 में जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, जो देश तरक्की किया है, 70 साल से ये लोग बैठे थे, क्या करें इन्होंने? जो आज जो दिल्ली की गद्दी पर बैठने के लिए ललायत हैं, ये जितने चोर सब इकट्ठा होकर एक शेर के पीछे पड़े हुए हैं, इन भेड़ियों से कुछ होने वाला नहीं है। यानी कि आप कह रहे हैं पीएम मोदी ही रहेंगे? मोदी ही रहेंगे 2024 तक, मोदी रहेंगे, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में मोदी जैसा लाखों लोग हैं जो इस पार्टी को और देश को संभालने वाले हैं। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि इस बार तो मोदी को मुंह के बल गिराएंगे। ये विपक्ष जितने हैं, इन्होंने अपने परिवार के सिवा क्या किया है? कोई भी पार्टी लुआ, ये जितने भी पार्टियां हैं परिवारवाद हैं, इन्होंने अपने परिवार को देखे हैं। इनकी पार्टियों में क्या है, मैं अध्यक्ष, तू महामंत्री, बेटा बहू सब मिलके खाते हैं। अब इनको खाने के लिए मिलने रहा है 2014 से, ये लोग बौखलाएंगे और ये बौखलाहट में सब एक हो रहे हैं चोर, ताकि एक ईमानदार को कौन है मोदी के, मोदी कौन है? मैं पूछता हूँ मैडम, मोदी का क्या है, उसके आगे ना पीछे कौन है? वो देश के लिए करता है, वो जो कुछ भी कर रहा है वो देश के लिए। मैं पूछता हूँ, जो ये लोग जितने परिवारवाद हैं, परिवार की, चाहे लालू हो, चाहे मुलायम सिंह की परिवार हो, चाहे कांग्रेस हो, ये सब देश के लिए क्यारा क्या है? 70 साल में जो 14 साल में जो ये 9 साल में मोदी किया है, 70 साल में किसी ने की कश्मीर का क्या स्थिति? मोदी ही क्यों, आप किस बेस पे मोदी को बोल रहे हैं दोबारा? क्योंकि मोदी के खिलाफ आए दिन कुछ ना कुछ टिप्पणियाँ सामने आती रहती। वो सब तो ये चोर हैं, जो ये टिप्पणियाँ करते हैं उनको खाने को नहीं मिल रहा है, इसलिए टिप्पणियाँ करते हैं। कल उनको खाने के लिए मिल जाएगा, सब बांट के खाने वाले हैं ये लोग, कुछ नहीं। आज जितने भी देश में योजनाएं हैं, अच्छी अच्छी योजनाएं हैं, ये जितने 3 तलाक था, NRC था, ये सब क्या थी? ये सब ये देश के हित में है ना। विदेश से लोग आ करके यहाँ अनाथालय के तरह रहते हैं, क्यों रहेंगे, जाए अपने देश में रहे। अब ये हमारा देश है, हमारा देश कैसे सुरक्षित रहेगा, इस बारे में, देश के बारे में अगर भला सोच रहा है तो भारतीय जनता पार्टी और उसके रक्षक मोदी बोल रहा है, और कौन पार्टियाँ है? ये सब जितने भी पार्टियाँ हैं सब खाओ पकाओ पार्टियाँ थी, देश को चूसा है इन्होंने। जितने करप्शन हुए, 2000 करोड़, 2G अफसर, ये घोटाला, ये घोटाला, 9 साल में बता दे कि एक घोटाला हुआ हो कहीं भी। लेकिन विपक्ष तो हमेशा कहता है कि मोदी कभी भी अहम मुद्दे पर नहीं आते हैं, दूसरे मुद्दों पर ध्यान देते हैं, आम जनता की नहीं सुनते हैं, ऐसा विपक्ष का कहना है। ये ओछी विचारधारा है। कांग्रेस जितनी गालियां मोदी को देता है, कोस कोस के पानी सुबह उठ करके, उससे मोदी का और लोग जुड़ता है, कांग्रेस की ग्राफ उतना गिरता जा रहा है। राजनीति में हमेशा सभ्य विचारधारा की राजनीति होती है, सभ्य तरीके से बात करना चाहिए पॉलिटिक्स में, ये नहीं कि किसी को गाली देने से किसी को सत्ता मिल जाएगा। जितनी भी गालियाँ देगा मोदी को, कुछ नहीं होने वाला है। मोदी को हिंदुस्तान की जनता ने, 140 करोड़ जनता ने मन बना चुका है कि 140 करोड़ जनता अगर मन बना चुकी होती तो विपक्ष तो होता नहीं है आज। 300 सीट लेके बैठे, 250 सीट विपक्ष के पास है, 4 राज्यों में कांग्रेस की सरकार है,
12 राज्यों में अदर कांग्रेसी सरकार है, 140 करोड़ गाते रहते हो, है कहाँ से 140 करोड़। 2019 में टोटल 93 करोड़ लोगों ने वोट डाले थे, जिसमें से के टोटल 66 करोड़ लोगों ने वोट दिए थे। टोटल वोटर थे 93 करोड़, जिसमें से 66 करोड़ लोगों ने दिए थे, और बीजेपी को टोटल 23 करोड़ 70 लाख वोट मिले थे, मात्र 23 करोड़ 70 लाख। 140 करोड़। हिसाब से आपको कौन लग रहा है पीएम पद का अगला चेहरा? कांग्रेस से आ जाएगा, कोई भी आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। कांग्रेस में बहुत है, बहुत कद्दावर है। कोई नाम तो बता दीजिए। नाम की जरूरत ही नहीं है कांग्रेस में, जिस दिन कांग्रेस मेजोरिटी में आई नहीं, नहीं, कोई एक नाम आपने डिसाइड किया हो? आ सकते हैं शशि थरूर, आ सकते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, बन सकता है राहुल गांधी, बन सकता है। फिलहाल राहुल गांधी नहीं बन सकते, उनकी सदस्यता रद्द हो चुकी है। अगर उनका हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट से फैसला आता है, दोबारा सांसद बन जाते हैं, तो कोई बड़ी बात, प्रियंका गांधी भी बन जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं। और भी बहुत है, 55 सांसद अभी मौजूद है, और 55 के अलावा भी 255 आ जाएंगे, उसमें कोई कमी नहीं है। कांग्रेस में लीडर्स की कोई कमी नहीं है। सर कांग्रेस है वो सार है, कांग्रेस है वो सार है, बिगर सार के आधार नहीं होता। राहुल गांधी है जो आलू डालता सोना बन जाता है हमारे देश के, ये हैं इनके लीडर राहुल गांधी। मुंगेरीलाल का सीन सपने इनके इनके जवाब, जब इन्हें कुछ पता ही नहीं, बात ही नहीं पता, नहीं पता है कि 93 करोड़ वोटर थे, उसका जवाब दीजिए। मैं जवाब दे रहा हूँ, इनके इन्होंने 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 राहुल गांधी का नाम लिया है, राहुल आएगा। जो जो प्रधानमंत्री का दावेदार है वो विदेश में अमेरिका में जाके कहता कि हिंदुस्तान की जो लोकतंत्र है वो डेड है, वो डेड है, खतरे में है। जब 84 में वो कांड हुए थे तब लोकतंत्र कहाँ गया था? क्या कहेंगे इस पर? 84 में लोकतंत्र की कोई हत्या नहीं हुई थी, 84 सिखों के अगेंस्ट कांड हुआ था, वो लोकतंत्र नहीं था। लोकतंत्र की हत्या का क्या मतलब होता है? विपक्षी आवाज दबाना, लोकतंत्र में एक दूसरे की बात ना सुनना। राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैं अब यहाँ पर हूँ, मैं भारत में नहीं हूँ, मैं खुलकर बात करूंगा, ऐसा उन्होंने क्यों बोला? तो उन्हें किसका डर मारा है? लेकिन फिर वो वहाँ पर जाकर ये बात क्यों बोल? क्यों नहीं करेंगे वो बात? अगर आप सोचते हो कि यहाँ की बात बाहर नहीं जाती, अब ये जो रेस्लर ने प्रोटेस्ट कर रखे हैं, इन्होंने लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन ने क्या बयान दिया है कि 45 दिन के अंदर इस मामले को सेटलमेंट करो, नहीं तो हम तुम्हारी फेडरेशन की सदस्यता रद्द कर देंगे। ये बेइज्जती नहीं है? राहुल गांधी को पकड़ रखा है, पता कुछ है नहीं राहुल गांधी। हेलो हेलो भाई, चाहे पता अगले आदमी कुछ नहीं पता हो, सरकार मोदी की आएगी, कुछ भी करो, सपने देखते रहो। सरकार मोदी की ही आएगी, इनके चार लोगों से बोलने से सरकार बन जाती होती तो अब तक मोदी मोदी चल रहा होता भाई। 2019-47 से मोदी, 24 की बात छोड़ दो, 29 की सोचो, 29 की सोचो, नहीं फ्री में रास्ते में भगवान भी आ जाए ना, मोदी को नहीं हटा सकता। भैया भगवान की बात क्या कर रहे हो, बड़े बड़े सूरमा जमीन में दफन हो गए, फिर मोदी की बात। देखिए आप कह रहे हैं, देखिए आप कह रहे हैं राहुल गांधी अगले पीएम हो सकते हैं, ठीक है, रुकिए रुकिए रुकिए, आप कह रहे हैं राहुल गांधी अगले पीएम हो सकते हैं, लेकिन क्या ऐसा पीएम होना चाहिए जो खुद के देश की जाके दूसरे देश में बुराई करता है? ऐसा मैं नहीं, ऐसा विपक्ष कह रहा है। इस पर आपने 2015 का, एक मिनट इनको चेहरा चुप कराइए, 2015 का कोरिया का बयान देखा आपने मोदी का? मुझे शर्म आती है कि मैं उस देश में पैदा हुआ, कि जहाँ पे लोग कहते हैं कि मुझे शर्म आती है मैं इस देश में पैदा हुआ, ये साउथ कोरिया में मोदी का बयान है ये? मैडम मैडम जवाब दे रहा हूँ, इन्होंने इन्होंने क्या एक साल में कहाँ से वीडियो देख लेंगे? जवाब ले ले, जवाब ले ले मैडम, इन्होंने कहे राहुल गांधी वीडियो देखने की नहीं आता तो ये वीडियो कहाँ से देख लेंगे एक साल में? ये हाँ बोलो, लेते हैं सुन लेते। 77 में जो इमरजेंसी लगाया था तब उनके दादी थी, तब लोकतंत्र कहाँ गया था? जवाब देना, ये तब लोकतंत्र जो अभी जो अमेरिका में जाके कहा डेड है लोकतंत्र हिंदुस्तान का, जब 77 में सारे लीडर को जेल में डाल दिया, इमरजेंसी लगाया, तब इनके लोकतंत्र कहाँ गए थे? पूछिए इनसे जी, बताइए भाई, एक बात बताओ इनसे, पूछो कि 77 की बात करके और आज इसको इसको जय ठहराएंगे? ऐसे को बना देंगे हम प्रधानमंत्री, ऐसे को बना देंगे विदेश में जाके? लेकिन अगर ये बात आप कह रहे हैं कि पीएम मोदी ने पहले ऐसे बोला तो राहुल गांधी क्यों दोहरा रहे हैं? जब आप कह रहे हैं राहुल गांधी इतने सही और अगला, तो वो जब इतने अच्छे इंसान है, सच्ची बयान को तो गलती, अगर पीएम मोदी ने गलती की है ऐसा बोल के, तो वो क्यों इस गलती को? हम भी कहते हैं राहुल गांधी ने गलती की, यानी कि आप मान रहे हैं सबसे मोदी कोई गलती नहीं किया है? आज हिंदुस्तान में कितनी महिलाएं थी, कितनी परेशान थी, सबके घर में आज टॉयलेट है, कोई देखे हो कितनी महिलाएं शाम होने की इच्छा वो करती थी कि हम जाएंगे टॉयलेट बाहर, लेकिन आज सबके घर में टॉयलेट है। इतने लोगों के मकान दिया, आज 80 करोड़ जनता फ्री में राशन खा रही। जी जी जी, एक सेकंड एक सेकंड, इनको ये नहीं बता, ये कह रहे 70 साल कांग्रेस ने राज किया, कहां 70 साल की इनको किनको बताओ?
तुम चुप रहो। कुछ भी राज किया कांग्रेस, कांग्रेस जितने साल कांग्रेस ने काम किया सिवाय यहाँ पर मैं हिंदुस्तान में आपस में लड़ाना और चूसने का कोई काम नहीं किया। देखिए देखिए देखिए, 5 किलो राशन विकास दिख रहा है, 5 किलो राशन की वैल्यू, लोगों को रोजगार के अवसर दो ने, खाने कमाने का अपने आप अपने अपने खाने कमाने का जरिया दो ने, ये बांटने का नहीं, ये 5-5 किलो राशन बांट बांट के भिखारी बनाने वाला काम नहीं होना चाहिए देश में। जैसे कि आप कह रहे राहुल गांधी अगले पीएम हो सकते हैं, क्या उनके अंदर वो खासियत है जो कि वो अगले पीएम बने? वो खासियत मैं आपसे जानना चाहूंगी। सबसे पहली खासियत कोरोना जब आया था 2019 में, ठीक है, सबसे पहले उन्होंने ट्वीट करा था कि चीन में कोरोना बढ़ता जा रहा है, हमारी चीन से आने वाली फ्लाइटें बैन करो, विदेश से आने वाली फ्लाइटें बैन करो, नहीं तो ये कोरोना। लेकिन क्या वो आम जनता की मदद के लिए आ गया है? बिल्कुल आए, क्यों नहीं आए? किसने आप हाँ आ गया, लगातार मजदूरों के साथ वो गए सड़कों पे घूमे, आपने देखा ही नहीं? राहुल गांधी मदद के लिए आ गया है कोरोना काल जी सर, सुनिए, ये तो उनका उस टाइम के लिए जब सिर्फ कोरोना आया था, आपने आपको हाईलाइट करना चाहते थे, कितनी सरकार ने, एक मिनट, कितने लोगों ने मदद करी थी, कितने फोर्सों ने मदद करी थी, कितने पुलिस वालों ने मदद करी थी, बगैर ऑर्डर, बगैर सरकार के ऑर्डर निकल जाती, क्यों कितने लोगों को घर पहुँचाया है पुलिस वालों ने डंडे, एक मिनट, तुम्हारे जैसों पर डंडे बरसाए थे, लोगों को डंडे बरसाए ना, वो हमारे बेनिफिट के लिए बताया है, समझे? एक मिनट आप सुनिए, जो पुलिस वालों ने जो जिनको डंडे बरसाए ना, दोबारा वो डर के हमारे निकला नहीं है। अगर आज अगर कोई भी, एक मिनट, अगर आज कोई भी अगर नया ना न्याय ना हो ना, जुडिशियल ना हो, तो ये सब जुलूम करने लग जाएंगे, सब निकलने लग जाते, तो कोरोना फैलता नहीं? और कितने लोगों को पहुँचा है? अच्छा, कितना कोरोना फैला ही नहीं अभी, आज की मैं आपको लेटेस्ट रिपोर्ट, एक मिनट, इटली की निकाली है, इटली कितना नंबर 2 पे मेडिकल आता है उसका, अब बताइए इटली में कितने लोग मर गए, इंडिया में कितने मर गए उससे कम देर से? इटली में नहीं मरे थे सर, आप लोग नहीं मरे थे, क्यों इटली में नहीं? अच्छा, मीडिया जो दिखाता है वो गलत है? अच्छा मीडिया, सर एक मिनट रुकिए, मीडिया जो दिखाता है वो गलत है, इसका मतलब नहीं, एक मिनट आप सुनिए, 21 वाले में कोरोना में कितने लोग मरे मालूम है? कितने लोग मरे आपके साथ? 1 लाख से ऊपर। लेकिन आपके सामने वो भैया बोल रहे हैं कि नहीं लोग मरे हैं और झूठी खबरें दिखाई गई हैं। जी जी सुनिए, आप कह रहे हैं कोरोना काल में लोग नहीं मरे हैं, लेकिन आपके सामने वो कह रहे हैं 40 लाख लोग मरे हैं। नहीं मरे, यहाँ मरे हैं ये लोग, कह रहे इटली में मरे हैं ये लोग, बता रहे नहीं मरे थे, जो कि ट्रंप राष्ट्रपति से गायब हो गया और कोरोना के चक्कर में ट्रंप हार गया, कह रहा कोई मरा नहीं, हाँ कहने हार गया, जेल में ट्रंप, जेल में है, बात कर रहा हूँ, हाँ ट्रंप जेल में जाएगा, मतलब हाँ जेल में जी, चलो जेल में जाने वाला है। जी अपनी बात रखिए खुल के, क्या क्वेश्चन? इटली में कोई नहीं मरा था, अच्छा मरा इंटर भारत में मरे सारे, कोई कहाँ बोल रहा नहीं मरा, बहुत कम प्रभाव पड़ा, बताइए नंबर 2 पे मरे थे नहीं मरे थे? क्यों इंडिया में तो दबाव में ही ज्यादा मर गए, इंडिया में तो दबाव में ही ज्यादा मर गया, परेशान। तो आप ये कह रहे हैं कि इटली का जो मीडिया जो न्यूज दिखा रहा था वो झूठा है? कहां झूठा है, कौन बोला? आपने बोला ना, इटली में कितना मरा है, इंडिया में कितना मरा है, डाटा दीजिए ना, आपके पास डाटा है? इटली में सबसे ज्यादा संख्या में लोग मरे, ज्यादा संख्या, इटली की आबादी कितनी है? जितनी इटली की आबादी है उतना तो यहाँ लोग मर गया, मैं बता रहा हूँ, मैं एक मिनट मेरी सुनिए, इतनी जितनी यहाँ पर 142 करोड़ की संख्या है तो जाके इतने कम डेड रेट आया है, और वहाँ इतने कम लोग हैं वहाँ इतना डेड आया है, तो सोचिए आप यहाँ पर किस सरकार ने बचाया है? जो सरकार चल रही है परसेंटेज नापी है ना, आपको उस चीज के बारे में नॉलेज पूरी नहीं है। और मरा है यहाँ कितना मरा है? इस समय ना मात्र में हुआ है, और ना अंत देखो, 10 करोड़ 10 लाख, लेकिन वो कह रहे हैं नहीं मरा। कल कितना मरा है पता है आपको? इंडिया में कल कितना मरा है? नहीं मरा है, अगर मतलब लोग कल पैदा कितने हुए, जितने हजार पैदा हुए, पहले तो लोग मर रहे थे, क्यों नहीं सुनिए सुनिए, पहले मरना तो लगा था, पहले बीमारी से लोग नहीं मर रहे थे, एक एक्सटेंड पर रेल मंत्री इस्तीफा देता था, सुनिए सुनिए, पहले नहीं, एक मिनट सुनिए सर, सर सुनिए आपकी जवाब सुनिए सर, आपके क्वेश्चन का मैं आंसर देता हूँ सर, इधर आइए सर, सर सर जिसने सर इससे पहले बीमारी से इतने पहले इससे पहले बीमारी से एक एक्सीडेंट, एक एक्सीडेंट पर लाल बाल शास्त्री बोल रहे हैं ना, कोरोना नहीं हुआ, ये बोल रहे हैं ना कोरोना नहीं हुआ, तो आप बोल रहे हैं कोई इंडिया, मैंने इनका कोरोना नहीं हुआ, कोरोना नहीं हुआ, आप बोल रहे हैं कितने आदमी बीमार हुए हैं, मैं अपना पूरा स्टेटमेंट आपको कोरोना का आज भी मेरे पास रखा है, जिस हॉस्पिटल में एडमिट रहे थे कितना उसमें पैसा लगा है कितना नहीं लगा है, जिसके घर में कोरोना से
पॉजिटिव होके आ गया है, जो बीमार हो गया उसे पता लगा कोरोना आखिर हुआ क्या है। तो अगर यकीन नहीं हो रहा नहीं कोरोना का, मेरे साथ चलो नवीन हॉस्पिटल में। मेरे कहने का मतलब आप क्या समझे? आप सुन लीजिए सर, इस चीज पे विवाद नहीं चल रहा है जितना आपको बताया जा रहा है। इस पे विवाद इस चीज पे था कि क्या नाम है, इटली में दूसरे नंबर मेडिकल होने के बाद भी पूरे वर्ल्ड में उसमें इतने मरे गए हैं जिससे आबादी कम है, यहाँ आबादी उससे 3-4 गुना ज्यादा है। अगर आप एक एक फैमिली को लेकर चलेंगे ना तो कोई सरकार नहीं चल पाएगी। एक फैमिली में सर आपकी बात सही है कि फैमिली जिससे गया उसको दिक्कत है, लेकिन सर और लोगों को देखिए, गवर्नमेंट ने पहले ही सचेत कर दिया, वो कोई गलत तो नहीं किया था? तो इस चक्कर से क्या नाम है, हम लोग इतने बच रखे थे, जो इस चक्कर में यहाँ पर इस गवर्नमेंट ने हमें बचाया है। हमारे कहने का ये अर्थ है, मैं किसी को पर्सनली नहीं कह रहा हूँ। कोरोना काल में कांग्रेस की सरकार होती ना, देश बर्बाद हो जाता। लेकिन इधर देखो, इधर देखो, ये अभी भी भरी हुई लाशों से। विशाल शर्मा का दिखाओगे ना तो मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर दिखा दो। अरे मेरा बात तो सुनो पहले, मेरा बात तो सुनो पहले। लेफ्ट मीडिया को देखोगे ना तभी इंडिया को दिखा दे, बांग्लादेश अभी नीचे। ये रही फोटो दैनिक जागरण की है, ये विशाल शर्मा का है। इससे पहले बीमारियां होती थी, लोग मरते नहीं थे, आज आपको इसी बीमारी का दिख रहा है। लोग एक साथ नहीं मरे, कांग्रेस सुनिए, 40 लाख कह रहे हैं, नहीं कान भी सही कराओ, कान सही कराओ। एक मिनट, अगर सुनो ना, सुनो ना, अगर वैक्सीन नहीं निकल रहा था ना तो आपकी फोटो वहाँ पे रहती। अरे क्या कहेंगे, इनकी बात मेरी बात सुनो, वैक्सीन हाँ बाजू ऊपर जिंदा ना होते, पोलियो के टीका पोलियो का, सुनो ना मेरा बात, दोष दे रहे हो। पोलियो का टीका ना वर्ल्ड में 50 साल पहले आ गया था, यहाँ पे कितना दिन बाद आया, जितना पोलियो ग्रसित होता है। कब से चला, कब से चला पोलियो का अभियान, कब से चला? 2004 से चल रहा है, 20 साल से ऊपर हो गए उसे चलते हुए। मालूम है नहीं मालूम है? वर्ल्ड में पहले कितना पहले आ गया था, वर्ल्ड में पहले कितना पहले आ गया था? जब भी आया, मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, इंडिया का बात कर रहा हूँ, वर्ल्ड कंपेयर कर रहा हूँ ना। हिसाब से इंडिया का क्या है, वर्ल्ड के हिसाब से आज इंडिया का क्या हाल है? बोले फ्री है, 107वें नंबर पे। हां तो वही तो बोल रहे हैं, अगर वर्ल्ड की बात कर रहे हैं तो एक मिनट। अरे सुन ले, हल्ला क्यों कर रहे हो, हल्ला क्यों? कांग्रेसी सरकार के देखा, सुप्रिया श्रीनेत के तरफ हल्ला किए जा रहे हो, केवल बात तो सुनो मेरा, पहले बात है। हाँ उसकी तरफ सुनने जा रहे हो, बोल रहे हो आप फॉरेंटिक्स में देख रहे हो ना, 107 पे इंडिया है ना, पाकिस्तान को उससे ऊपर दिखाया, पाकिस्तान को उससे बेटर दिखाया। सुनो ना मेरा बात, तुर्की को उससे अच्छा दिखाया, तुर्की को हमने खाना दिया, पाकिस्तान को हमने खाना दिया, और हमारा ऊपर दिखा रहा है इंडेक्स में, देखो पहले। हाँ बिल्कुल ठीक है, तुमने खाना दिया लेकिन उसके बावजूद भी वो हैं, उसके बावजूद भी ऊपर है वो। अगर वर्ल्ड की बात करें तो इसको इन आंकड़ों को क्यों नहीं मानते? सही है, हमारी सच्चाई देखो ना। अगर ये वर्ल्ड की बात कर रहे हो, आंकड़ों की बात करें तो इन आंकड़ों को क्यों नहीं मानते? 107वें में ये तुम्हारे लिए गलत है, कैसे मानेंगे इसको? पोलियो का टीका 50 साल पहले लगा, वो सही है। सामने तुम्हारे दिख रही ना, सामने तुम्हारे दिख रही ना, जो आप पोलियो की बात कर रहे थे पहले। अब ये कोरोना की वैक्सीन जो जल्दी आ गई, जिस टाइम पर इंडिया में और वर्ल्ड में लॉन्च हुई थी, तो वो चीज आ गई उसको नहीं सुनो 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 मेरा बात, इनकार करने की नहीं, आपकी बात, आपकी बातों से तो हमें ये लग रहा है इनकार ही क्या है। अब इनकार करने को क्या मुंह भी कह दोगे, क्या चीजें? पोलियो का टीका आया, सब कुछ आया, तो प्रचार नहीं किया। किस चीज का प्रचार करा कि मैंने टीके लगवाए? किसने करा? घर घर जाके बता रही है, घर घर जाके बता रही है। अगर कांग्रेस प्रचार ना करती तो आपको कैसे पता चलता कि कांग्रेस ने ये करवाया? आपको है, प्रचार का मतलब होता है दो तरीके से, एक तो दुनिया भर के होर्डिंग लगाना, दूसरा जितने भी ये टीके लगे सारे स्वास्थ्य केंद्रों में, जहाँ भी अस्पताल में कर दिया कि कोरोना की वैक्सीन लेके आ रहे हैं, 37 रुपए बढ़ा दिया। तो अगर ये इवेंट ना हो तो लोग जागरूक कैसे होंगे कि आप इस बीमारी से बचे हैं? तो देखिए, ये थी दिल्ली की जनता जिसने पूरी तरीके से डिसाइड कर लिया है कि वो कोई कांग्रेस को चाहता है तो कोई बीजेपी को चाहता है। अब ये 2024 के चुनाव के बाद ही पता चलेगा कि कौन सही साबित होगा। तो जाने के लिए बने रहे पॉलिटिकल इंडिया के साथ, शिवानी मांगवानी कैमरामैन रोशन के साथ।